नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी इंडिया पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम लिटिल फ्लावर हाउस स्कूल के सामने और यहां पर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम लैंग्वेज हिंदी का एग्जाम चल रहा है। बच्चे बाहर आने की तैयारी में हैं। हम आज जानेंगे कि किस तरीके से पेपर था, एनटीए द्वारा किस तरीके से पेपर सेट किया गया था, पेपर पैटर्न क्या था और किस तरीके की चीजें बदलाव के रूप में देखने को मिली छात्रों को। तो प्यारे साथियों, आइए अब हम अगली क्लिप में देखेंगे कि छात्रों का क्या रिव्यू रहा है इस लैंग्वेज एग्जाम में। आ जाइए, आइए आइए। अरे क्या, तो आप देखिए, आइए आइए आइए। एक बस छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, कैसा पेपर रहा, बस इस बारे में पूछेंगे और कुछ ज्यादा नहीं। हेलो, आप सभी देख पा रहे हैं कि छात्र एग्जाम देकर बाहर आ चुके हैं और इनसे हम जानेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा रहा, क्या इजी लेवल का क्वेश्चन पेपर था, मॉडरेट था या हार्ड था। तो आपका नाम क्या है, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम अमन यादव है। अमन, कैसा पेपर रहा अमन? सही था। सही था। हाँ। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने तो 35 किए थे। 35 किए। हाँ। कितने क्वेश्चन करने थे? 40। तो 5 क्वेश्चन आपने छोड़ा, इसके पीछे कोई विशेष कारण है? वो नहीं आ रहा था। वो नहीं आ रहा था। तो आपके हिसाब से पेपर पैटर्न इजी था या मॉडरेट था, हार्ड था? हार्ड था थोड़ा। पेपर हार्ड था। तो बेस्ट ऑफ लक। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है? नहीं बता सकते हम। नहीं बता सकते? हाँ। कोई बात नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। देखते हैं और बच्चों का क्या रिव्यू रहता है। तो कोई और कुछ और बच्चे मिलते हैं तो हम आपको और रिव्यू देते हैं। टर्न था और एनटीए ने इस बार जो हिंदी लैंग्वेज में कैसे प्रश्न आप सभी को परोसे? बहुत आसान प्रश्न थे सर, अलंकार से आराम आसान ही थे और पेपर बहुत ही आसान था। बस पेपर बहुत ही आसान था। आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए? सर हम 35 प्रश्न अटेम्प्ट किए और 5 प्रश्न छूट गए टाइम की वजह से। अच्छा, मतलब आपकी समस्या रही टाइम, इस वजह से। आपका नाम क्या है? प्रांजल यादव। प्रांजल का कहना है कि पेपर बहुत ही इजी था और टाइम की वजह से इनका 5 प्रश्न छूट गया। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, UCIC बीटेक। अच्छा, इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी इनकी प्रेफरेंस में पहला नंबर है। तो बेस्ट ऑफ लक प्रांजल। अब देखते हैं और बच्चों से हम रिव्यू लेते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना। अच्छा, मतलब इस सेंटर की ये समस्या भी है? बच्चों को आने नहीं दे रहे, वो तो मुझे फोटो निकलवाना था शाम के लिए, इसीलिए हम फॉर्म अपना एडमिट कार्ड जमा करके इस आए। ओके, तो फॉर्म, अच्छा क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं, इसके बाद भी आपका पेपर है क्या? हाँ हाँ, दो पेपर है ना, फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स का है। यस। तो प्यारे साथियों, इनको यहाँ पर जो भी बच्चे अंदर जा रहे हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि अगले पाली में भी उनका पेपर है। ठीक है, थैंक यू प्रांजल। देखते हैं और बच्चों से, बच्चों का क्या कहना है, किस तरीके के प्रश्न का तरीका है। तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है? सर DU है। DU है। आपका नाम? अनु कुमारी। अनु कुमारी। अनु का कहना है कि पेपर इजी था और इन्होंने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो चाहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उनका प्रेफरेंस ही DU या BHU होता है। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग यहीं तक। आप सभी ने देखा कि हिंदी लैंग्वेज का पेपर इजी था, क्योंकि दो बच्चों ने कहा कि पेपर इजी था, एक ने कहा कि पेपर हार्ड था। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी पैटर्न NTA ने सेट किया है वो पिछले पैटर्न के हिसाब से ही है, उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं है और छात्रों ने समय की कमी की वजह से कुछ क्वेश्चन को छोड़ा है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले ग्राउंड रिपोर्टिंग में।